तो यार रात को कैसे गुजारते फिर? कैसे गुजारते सर, पहले त्रिपाल हम लोगों के पास था, वो आंधी आई। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहाँ है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। हम सर अजमेर में अटके हुए थे, हमको पुलिस प्रशासन ने खाने पीने की सुविधा किया, पानी के लिए हर चीज की सुविधा किया, और पुलिस के लिए धन्यवाद। कहाँ के निवासी, कहाँ रहते हो आप? हम सर थाना चचेंडी कानपुर नगर के रहने वाले हैं, और हम अजमेर में क्या करते हैं? यहाँ सर मजदूरी करते हैं सर, ये ईटा गारा की मजदूरी करते हैं। परेशान हो रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर करीब सर हम 2 महीने से लॉकडाउन हुआ, 20 तारीख को हम यहाँ आए थे, 22 को लॉकडाउन हो गया था। कैसे रहोगे अब यहाँ, कहाँ रहोगे? अब सर यहीं पर रहते हैं, जैसे ही बस। अब क्या कानपुर जाना नहीं चाहते हो? सर हमको कानपुर भेजा जाए, अपने देश हम यही चाहते हैं सर। हम पुलिस वालों को बोला आपने? हाँ, पुलिस वाले कह रहे हैं राशन का आधार कार्ड अपना और वो देकर अपना बनवा कर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। परिवार है यहाँ पर? हम छोटे बड़े 7 परिवार हैं, छोटे बड़े 37 लोग हैं। ठीक है, आपका नाम? सिया राम। हम लोग सर कम से कम 41 दिन से परेशान चल रहे सर जी। क्यों परेशान, कैसे हो गए यहाँ पे? ये लॉकडाउन से परेशान हो गए सर, ना कहीं जा पाए, ना कुछ खा पाए, ना पी पाए, कुछ नहीं कर पाए। हम लोग मेहनत मजदूरी करने वाले सर लोग हैं। अच्छा अच्छा। हाँ सर, हम लोग बहुत परेशान सर। आज सर हम लोग को पानी भी नहीं मिलता सर पीने के लिए। अच्छा, ये सामने मजार से पानी मिल जाता सर, वो भी पानी उसका भी वापस नहीं आता है सर। कहाँ से आए हो आप ऐसे काम करने? हम लोग सर यूपी के रहने वाले, कानपुर के। और यहाँ क्या करने आए थे? यहाँ लेबरी करने आए थे सर। तो लॉकडाउन से जब से फंसे हुए? जब से फंसे हुए सर हम लोग। एक परिवार अपना परिवार ये चला रहे, जैसे पुलिस वाले आके थोड़ा राशन राशन दे जाए सर, उसी काम चलाते हैं सर। आज पुलिस प्रशासन आई थी? पुलिस प्रशासन आई थी सर। क्या दिया आपको? ये खाने आने दिया सर, अब बोला है पानी आने की व्यवस्था कर देंगे सर आप लोगों के लिए। क्या कहना चाहते हो? पुलिस प्रशासन ने अच्छा काम करा है? पुलिस प्रशासन ने सर अच्छा काम किया सर। धन्यवाद देना चाहते हो? बिल्कुल धन्यवाद देना चाहते सर। हम लोगों के साथ अच्छा काम। और सर हम लोग यूपी जाना चाहते, अपने गाँव जाना चाहते हैं सर। आपका नाम? हमारा नाम अफ्ताब सर। हमें यहाँ सूचना मिली कि कुछ मजदूर हैं जो सड़क पे आ रखे हैं, तो हमने उनसे रुकवाया, उनसे पूछा कि क्या कारण है, आप किस लिए आ रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि इनके पास खाना नहीं था, खाने की ये डेली वेज अर्नर्स हैं, डेली लेबरर्स हैं, जिनका कि लॉकडाउन की वजह से अब इनके पास काम नहीं रहा है, तो इसकी वजह से इनके पास पैसे ख़त्म हो गए, खाना ख़त्म हो गया, तो इस वजह से ये अपने गाँव के लिए निकले थे। तो इनको हमारे SHOs ने ड्राई राशन प्रोवाइड कराया है और इनके पानी की व्यवस्था कराई है। सर कहाँ के मुसाफिर हैं, कितने जने लगभग? ये अजमेर के ही हैं, बेसिकली तो कानपुर के हैं, लेकिन वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, डेली वेज अर्नर्स हैं, ये रामगंज थाना क्षेत्र में रहते हैं।